बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो कामयाबी बज़ाहिर हम सब को अल्लाह के इज़्ज़न से नज़र आती है, उस सब का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से मुंसलिक है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने तमाम मामलात में अपने दोस्त अहबाब मेंबर्स और डीलर्स और रियल्टर ब्रादरी का खुसूसी ख्याल रखती है और उनसे हर वक्त मशावरत के अमल में रहती है। तमाम मैनेजमेंट बोर्ड डिसीजन मेकिंग करते हुए रियल्टर ब्रादरी से खुसूसी मशावरत करती है और ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप्स की सूरत में भी जारी रहता है और फर्दन फर्दन सबसे इनफरादी मुलाकातों में भी ये अमल जो है अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी रहता है। और मशावरत का अमल आप सल्लम की सुन्नत है और उसमें अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। एक मामला जो बहुत दिनों से ज़ेर बहस आ रहा था और वो मामला सरचार्ज का था। ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट ने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2017-18 में तो बहुत ही कम और अर्जा कीमतों पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ती रहीं। तो इसमें रियल एस्टेट जो पीछे से परचेज़ की जाती है लैंड, उसकी भी नेचुरली कीमतें बढ़ती रहीं और उसका ना चाहते हुए भी तो उसका लोड अल्टीमेटली एंड यूज़र्स पर आना था, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक फंडिंग से अल्टीमेटली डिलीवरी की तरफ जाता है और कोई भी प्रोजेक्ट वो भले किसी सरकारी अदारे का हो या किसी प्राइवेट अदारे का हो, उसका अल्टीमेटली तमाम बिजनेसेस की तरह दारोमदार अल्टीमेटली पब्लिक फंडिंग पे होता है और पब्लिक के पैसे को ही कैपिटल के सूरत में यूटिलाइज़ किया जाता है। अपनी ग्रुप्स की अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत मैटर करती हैं, लेकिन मेजरली जिस वक्त प्रोजेक्ट एक ख़ास स्केल से ऊपर चले जाते हैं तो पब्लिक फंडिंग जो है वो नेसेसरी एलिमेंट होता है डिलीवरी का। चूँकि रकबे ब्लू वर्ल्ड सिटी जहाँ पर गई उस वक्त जंगल में मंगल करने का अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को और इससे जुड़े तमाम अपराध को मौका दिया, तो उस वक्त अर्जा कीमतें थी और वही बेनिफिट जो है हमने अपने एंड यूज़र्स की तरफ ट्रांसफ़र किया गया। और अब जो जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो नेचुरली प्रोजेक्ट के रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं। और इसमें मौका दिया गया कि जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पेमेंट्स पे करें और उनको जिन्होंने अपने जो कमिटमेंट्स हैं फर्म के साथ वो पूरी की, उनके अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बैलेट में चले गए और अब डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। अलबत्त अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो अपनी पेमेंट्स नहीं अदा कर सके उन पर कंपनी को लामहाला एक सरचार्ज एक फ़ाइन इम्प्लीमेंट करना पड़ा, क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी हो गई है वहाँ पे और उस उन अफराद के लिए जिन अफराद की पेमेंट्स कंप्लीट हो गई उनके लिए तो लैंड अरेंज हो गई, लेकिन जिनकी लैंड का अरेंजमेंट अभी इन प्रोसेस है वो पॉकेट्स अब चूँकि बहुत महंगी ख़रीदनी पड़ रही हैं तो लामहाला कंपनी को सरचार्ज उन पर लगाना पड़ा और उस पर बहुत सारे लोग नालां थे, बहुत सारे मेंबर्स नालां हैं कि जी ये सरचार्ज जो है वो नहीं लगना चाहिए था और हम एंड यूज़र्स जो हैं या ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत सारे क्या कहते हैं लो इनकम ग्रुप वाले अफराद ने ख्वाब देखा कि हम भी पिंडी इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट में हिस्सा बन सकेंगे, तो उन्होंने बारहा हमें मुख्तलिफ चैनल से रिक्वेस्ट भेजी कि ये सरचार्ज किसी ना किसी तरह वेव ऑफ किया जाए। और रियल्टर ब्रादरी ने अपने क्लाइंट्स का और मेंबर्स का भी भरपूर जो है मौक़ हम तक पहुंचाया। उस सिलसिले में ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की एक आपस में मशावरत हुई, मीटिंग हुई, जो हमारा मैनेजमेंट बोर्ड है जिसमें चौधरी नदीम एजाज साहब हैं, नईम एजाज साहब हैं, सरफराज गोंदल साहब हैं, बुरैर साहब हैं, हमजा साहब हैं, अरशद अवान साहब हैं, उन्होंने मशावरत की रियल्टर्स से और फिर आपस में एक डिसीजन पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पहुँचे हैं। और ये फैसला किया गया है कि हम अपने तमाम मौजूद कस्टमर्स को एक दफ़ा मौका देंगे कि वो इस सरचार्ज की पेमेंट से बच सकें और वो ऐसा करने के लिए अपनी जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट है उनको तकरीबन एक माह का वक्त दिया जा रहा है कि वो अपना डिफ़ॉल्ट क्लियर करें, तो ये सरचार्ज जो अब तक उन पर लागू हुआ था वो एब्सोल्युटली रिमूव कर दिया जाएगा। और ओएस मेंबर्स को एक अपनी फैसिलिटी है एपीआर पेमेंट्स की और जनरल ब्लॉक में जो है वो हमने वैसे मौका दिया, चूँकि ज़्यादा सरचार्ज जनरल ब्लॉक में लगा था और जनरल ब्लॉक ही पुराना है, उसमें अभी तक ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 5 मरले की रजिस्ट्रेशन 6 लाख 7 लाख में भी
प्रोक्योर की हुई थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि उन्हीं रेट्स पे अपनी डिलीवरी को इंश्योर करें और सरचार्ज से बचने के लिए ये जो एक माह की लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जा रहा है इसमें अपने डिफ़ॉल्ट्स क्लियर करें। अगर वो डिफ़ॉल्ट्स नहीं क्लियर कर पाएंगे तो मजबूरन कंपनी को अपने टर्म्स रजिस्ट्रेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत अगले इकदाम उठाने पड़ेंगे जो कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि जी कंपनी ने इस वक्त एक मौका दिया है टू ऑल मेंबर्स एंड ऑल रिलेटिव्स टू क्लियर देयर डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स एंड गेट रिड ऑफ द सरचार्ज इम्प्लीमेंटेड सो फार। तो काइंडली सब इस महदूद मुद्दत की पेशकश का फ़ायदा उठाएं और इसको ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से तमाम रियल्टर बरादरी और तमाम मेंबर्स के लिए एक तोहफा समझा जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए भी कि वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख वाली रजिस्ट्रेशन उन लोगों से जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे पेमेंट्स करना, कोविड का ज़माना है तो मैनेजमेंट ने कोविड की वजह से भी बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टर्स आके वो प्लॉट्स जो कम कीमतों पे स्पेशली जनरल ब्लॉक के थे उनको प्रोक्योर करें और इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। इस कॉस्ट में दोबारा पिंडी इस्लामाबाद में आपको इस किस्म की चीज़ जो स्टेट ऑफ द आर्ट, मैं समझता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक नया स्टैंडर्ड सेट करने जा रही है जो कि ऑन ग्राउंड है, ये अब दावे नहीं है मौके पे। जिस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी वाटर पार्क बन गया, जिस वक्त बुर्ज अल अरब बन गया, ब्लू मस्जिद बन गई, नाइट सफारी बन गई, स्टेट ऑफ द आर्ट फोर्सेस कैडेट कॉलेज और फोर्सेस स्कूल सिस्टम वहाँ पे बन गया और अल्लाह ने चाहा तो जो बाकी हमने वादे किए हैं वो जब अल्लाह पाक के हुक्म और रिजन से पाए तकमील तक पहुँचेंगे तो इस प्रोजेक्ट का अल्लाह की मेहरबानी से कोई सानी नहीं होगा पूरे पाकिस्तान में। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ गो रहे हैं, मुश्किलात भी हैं लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, इन्ना माल उसर युसरा, और हमने हमेशा अल्लाह पाक की तरफ से रहमतों के दरवाज़े खुले पाए हैं। तो दुआ गो रहिए जी और काइंडली इस जो ऑफ़र है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकल्लाह खैर।